पुण्य शिव महापुराण की कथा की ये तीन बेलपत्र में तीन पत्तियां होती हैं। ये तीन पत्तियां शिव महापुराण की कथा कहती है। जब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, जब हम भगवान शंकर को ये तीन पत्तियां समर्पित करते हैं, तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा पूर्व का किया हुआ जो भाग है, वह भी केवल एक बेलपत्र। जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा भूत जो निकल गया, वो तीनों ही भगवान शिव उसको संवार देते हैं। मात्र एक बेलपत्र का फल इतना प्रबल है कि एक बेलपत्र मात्र भगवान शंकर को समर्पित कर देने से हमारा निश्चित समय अवधि गणना सब स्वीकार कर लेते हैं भगवान शंकर। एक बेलपत्र की तीन पत्तियां नहीं है। एक बेलपत्र में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, एक बेलपत्र में जो हमारा जीवन है, एक बेलपत्र में जो हमारे देव अधिदेव महादेव विराजमान है, एक बेलपत्र में जो माँ जगजननी दुर्गा भवानी विराजमान है, एक बेलपत्र में जो नारायण लक्ष्मी विराजमान है, एक बेलपत्र में जो ब्रह्मा ब्रह्माणी विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत जो मेरे देव अधिदेव महादेव की 64 योगनियां विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख विराजमान है, वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं होती। शिव को चढ़ा देने पर वो बेलपत्री का सुख हमारे जीवन पर्यंत प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्र हमने जो देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी, उसका सुख हमको अपार सुख प्रदान कर देता है। पुण्य